कैसे लपड़ की तरह चल रहा है ये। तो गाइस ड्राइविंग सीट पे बैठ गया भाई ये। गाइस राम झूला देखो भाई, नाइट में ना देख रहे हो ना क्या भयंकर जंगल है भाई। तब जाके कुछ लाइट्स वाइट से दिखाई दी है टिहरी के बाद यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइज, आप लोगों ने प्रिपरेशन तो देख ली होगी लास्ट वाले व्लॉग में, मतलब मीटिंग्स खत्म करने के बाद मैं भाई इतना थक गया हूँ पूछो मत। पूरा दिन मतलब मैं लगा हुआ 12 बजे से लगा हुआ ऑलमोस्ट प्रिपरेशन में। फिर ऑफिस का काम कंप्लीट हुआ है, बैग की पैकिंग, जो इंस्टा जितने सारे ड्रोन वगैरह ये सब रेडी करना भाई यूट्यूब के लिए ना बहुत बड़ी वो हेक्टिक है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो अब जाके हम लोग निकले 9 बजे, प्लान था 7 बजे निकलने का, 2 घंटे लेट है। बोल गंगा मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, महादेव। सो गाइस, मैक्स भी बैठा हुआ है देखो पीछे अपने फुल मोड में, सारे के सारे बच्चे हैं और ये इधर वाइफ है, और अब जगतपुर से निकल चुके हैं। सो गाइस देखो, ये सारा का सारा भाई लैपटॉप में सारा का सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर करा है आईफोन का, क्योंकि आईफोन हो चुका था पूरा फुल, और फिर ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क में भी ये डेटा मैंने मूव कर दिया है। और ये बैग मैं रेडी कर रहा हूँ जिसमें कि डिफरेंट मेरे गैजेट्स हैं, ड्रोन्स वगैरह भी सारे मैंने रख लिए हैं, और लैपटॉप भी लैपटॉप बैग में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रेडी, बस एक मेडिसिन का काम रह गया, मेडिसिन मैं लेके आ रहा हूँ, तो मेडिसिन रेडी करके फिर भाई निकलने की पूरी पूरी तैयारी, सामान हो चुका है बैग। देखो गाइस, पूरा का पूरा सेटअप ये अपना रेडी हो चुका है सामान का। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं ITO। गाइस ये देखो, NH24 के लिए हमने सराय काले गांव से ले लिया भाई ये रूट। तो अब NH24 जो है ना, ये हमें इजी पड़ेगा। मैक्स क्या कर रहे तू, इधर क्यों आ गया तू, पीछे रह पीछे यार, ड्राइव करने दे मुझे, परेशान नहीं किया कर तू भाई। कितना लंबा जाम है यार, हद हो गई है, कितनी भीड़ है भाई। मतलब हमने क्या सही डिसीजन लिया ना इधर वाली साइड से आने का, NH24 पकड़ के दूसरी वाली साइड अगर जो अक्षरधाम से आते ना, तो भाई साहब मतलब सोचो 1-1.5 घंटा तो यहीं पे दिल्ली से निकलते हुए हो जाता हमें। टाइम दिखा रहा है अभी 3 घंटे 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। तो सोचो यार क्या मतलब बढ़िया हो चुका है ना, रूट के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। नाइट में ट्रेवल करो अपना, पहुंच जाओ, हाफ हाफ स्प्लिट कर दो रूट को, ताकि मतलब इतने ज्यादा दिक्कत ना हो। मान लो 500 किलोमीटर है तो 500 को 250 में स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट कैसे करोगे ये आपके ऊपर है भाई। तो हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया है, ऋषिकेश जाके हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर आगे का प्लान करते हैं, और अगर हिम्मत रही तो भाई पूरा ही कैच देंगे 500। ये पहला टोल टैक्स आ चुका है, अब देखना ये होगा कि भाई फास्टैग चलता है कि नहीं चलता, ये इम्पोर्टेंट है। ICICI का लिया मैंने फास्टैग नया, पेटीएम तो हट गया ना, पेटीएम क्लोज हो गया। तो ओए चल गया भाई, चल गया। भाई मैक्स क्या हो रहा है तेरा, क्या नौटंकी हो रही है? देखो गाइस, ड्राइविंग सीट पे बैठ गया भाई ये। इसके आगे चिप्स रख दी, सामान लेके आया मैं चटर पटर का। मैक्स, हे मैक्स, गाड़ी चलाएगा तू? मैक्स और मैं दोनों के दोनों आगे बैठ गए भाई। मैं अपने लिए लेके आया था स्ट्रॉबेरी वाली, ये लबू ने ले लिया, सबके सब लेके बैठ गए। मेरी कहाँ है भाई, ने 90s के गाने चला रखे हैं भाई मस्त। मैक्स भी सुन रहा है। जैन चिकन जी तो बंद हो चुकी थी, बट यहाँ पे अपने पकौड़े ट्राई कर रहे हैं भाई हम लोग, चाय पकौड़े, पनीर के पकौड़े हैं भैया ने गाने बड़े मस्त बजा रखे हैं 90s के। जो जो ले रहे हैं ले लो, और एक ये संतरे वाली टॉफी दे दो भैया, मिक्स वाली। मैक्स आ चुका है को पायलट सीट पे, को पायलट। यहाँ पे हमने करा था एक छोटा सा मिनी सा ब्रेकफास्ट कह लो या कुछ भी, क्योंकि 1:15 हो रहे हैं। और ये मैक्स भाई, उसको दे दी हमने फ्रंट वाली सीट को पायलट, और बच्चे बच्चे सब पीछे हैं, तो ये तीनों पीछे आ चुके हैं और मैं और मैक्स फ्रंट पे हैं। अब चलते हैं भाई आगे तरफ, मैक्स का जी ललचा रहा है भाई इनके ना चटर पटर खाने के लिए। देखो क्या खाना है तेरे को, नहीं खाने तेरे को, सॉरी बाबा के यहाँ आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। सो गाइस 2:10 हो चुके हैं और हरिद्वार में हम लोगों ने मार ली है एंट्री। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, बोल शिव शंभू। ये देखो ये वाला रोड देखते के साथ ही मजा आता है नाइट में ना, इसकी लाइटनिंग वाइटनिंग इतनी प्यारी है और मंत्र इतने अच्छे अच्छे लिखे हुए ना भाई, दिन में देखने को मिलेंगे। और चारों धामों के बारे में बता रखा है, कई कई जगह तो श्लोक अच्छे अच्छे हैं। रेनू
रे नो दीम धूम दर दीम दर दीम धूम दर दीम दर दीम धूम दर दीम धूम दर दीम दर उदनी तदनी तन दिर तान उदनी तदनी तन दिर तान तन दियान तीम धूम दर दीम दर दीम धूम दर दीम दन दीम धूम दन भयंकर जंगल है भाई, राजा जी नेशनल पार्क, उसके ऊपर ऊपर से फ्लाईओवर बना दिए, ये बहुत मस्त करा है। हाँ, पहले जो नीचे नीचे से रोड जाती थी ना, उसमें थोड़ा सा वैसे डर सा लगता था भाई, ऊपर ऊपर से कर दिया ना फ्लाईओवर, ये बहुत सही कर दिया। गाइस राम झूला देखो भाई, नाइट में ना क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। ओए होए होए होए, क्या बढ़िया लग रहा है ना राम झूला, अमेजिंग भाई अमेजिंग। इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है मेरे उतरते के साथ ही, इसे भी नीचे उतरना होता है, इसे भी सब चीज़ देखनी होती है। गाइस अब जाके कुछ लाइट्स वाइट्स से दिखाई दी हैं टिहरी के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा लगा है कि भाई कुछ है यहाँ पे इस वाले रूट पे, वरना भाई जान निकल गई थी स्टार्टिंग में, देखने के बाद भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तो। गाइस फाइनली ये अस्त्राल रिजॉर्ट करके हमें जगह दिखी है, गेट वेट खोलने आ रहे भैया, बाकी व्यू देखो भाई एकदम चेकआउट करो मस्त है। ये अपना रिसोर्ट आ चुका है अस्त्राल रिसोर्ट, और गाड़ी हो चुकी है अपनी पार्क, और ये लव अब नीचे उतर रही है, सामान वामान ये रखा है, बंदा आ रहा है भाई नीचे से लेने के लिए, और मैक्स कैरी सब नीचे आ चुके हैं। अब चले भाई, बड़ी ऑफ बीट, बड़ी अच्छी ऑफ बीट लोकेशन है ये, देखो कुछ इस तरह से व्यू आएगा। अभी हम लोग चल चुके हैं करीबन 270 या 280 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। हम लोग सोच रहे हैं 12-1 बजे तक ना यहाँ पे स्टे करें, और उसके बाद फिर हम लोग गंगोत्री के लिए चलें। अगर ठीक ठाक रहा, नींद आ गई अच्छे से, तो भाई विल प्लान, अदरवाइज फिर यहीं पे रुकने का प्लान करते हैं आज रात। ये ऐसे गाड़ी आई थी ऊपर से, ये ऑफ बीट लोकेशन है। कैसे लेपर्ड की तरह चल रहा है ये, देखना देखना नीचे की तरफ हो गए ताकि गिर ना जाए, बिल्कुल लेपर्ड की तरह चल रहा है। देखो ये कॉटेजेस है, ये अपने वाली कॉटेज है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, तो इसलिए अभी मन डाइस ही हो रहा है कि भाई रात को भी हम लोग स्टे करें। यहाँ पे ग्रुप्स आते हैं भाई, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। तो ये अपना रूम है, रूम का एक बार वॉक थ्रू देता हूँ आपको। अच्छा, इट्स लुकिंग लाइक सोफा है, यहाँ पे टेबल है, एक एक्स्ट्रा बेडिंग आ जाएगी अभी, वहाँ के लिए मैंने बोल दिया एक्स्ट्रा बेडिंग, ये बेडिंग ऑलरेडी है, और रात के लिए ये हीटर वीटर भी अवेलेबल है मस्त। और क्या क्या है भाई, वॉशरूम चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने चेक नहीं किया था, तो ये वॉशरूम्स है मैक्स नो, वॉशरूम्स आर वेरी मच नीट एंड क्लीन, फैंटेस्टिक। सो अभी इन लोगों ने हमें चार्जेस बोले हैं गाइस, चार्जेस इन लोगों ने बोले हैं 12 से 1 बजे तक के, अभी 6 बज रहे हैं, तो 2500 इन्होंने मैनेज करने के बोला है, बट हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं मैक्स, कम एयर पे भी तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उस केस में 3500 होगा चार्जेस, तो ठीक है यार अब थक भी गए ना बहुत ज्यादा। मैक्स की लड़ाई हो रही है भाई बाहर, जब वो भाग रहा था अब उसको गुस्सा आ गया मैक्स को, भाग रहा है मैक्स। और ये ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई अपना, बाहर डॉगी भौंक रहा है, ये देखो मैक्स रिएक्ट कर रहा है उस पे, ये देखो आजा आजा मैक्स इधर आजा, छोड़ से लड़ाई हो रही है भाई, ये देखो रुक ही नहीं रहा है, तो मैक्स भी लगा हुआ है उसके साथ, कहते साले मैं निकल नहीं पा रहा हूँ बाहर, नहीं तो बता दूं तेरे को।